नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक सुबह सुबह में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से आम आदमी के रूप में नजर आए। शिवराज सिंह चौहान ट्रेन में यात्रियों के बीच पहुंचे, उनसे राम सलाम किया और फिर उनके साथ भजन गाया। शिवराज विदिशा से भोपाल आ रहे थे। ट्रेन में सवार शिवराज लोगों से मिलने के लिए उनकी बोगी तक चले गए। उन्हें देखकर लोग उनके आसपास इकट्ठा हो गए। शाम का वक्त भी था और ऐसे में शुरुआती अभिवादन के बाद भजन का सिलसिला शुरू हुआ। और इससे पहले भी शिवराज अक्सर आम लोगों के बीच नजर आ जाते हैं। सत्ता जाने के बाद भी लोगों से उनके करीबी लगातार बनी हुई है। मुख्यमंत्री रहते हुए भी अक्सर जनता के बीच में ही शिवराज सिंह चौहान नजर आते थे और भजन कीर्तन का कोई कार्य हो तो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। और अब सत्ता जाने के बाद भी ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, लेकिन ट्रेन में किस तरीके से, और ये वीडियो उन्होंने खुद ट्वीट किया है, बताया कि किस तरीके से हिंदुस्तानी संस्कृति ट्रेनों में नजर आती है, ये भी उन्होंने साथ ही साथ लिखा है। भोपाल में का ये वीडियो है। भोपाल से विदिशा जा रहे थे, घूम घूम कर लोगों से मुलाकात की, भजन कीर्तन में हिस्सा लिया। उत्तराखंड में मॉनसून घूम कर आया है। मौसम विभाग के अलर्ट का असर नैनीताल जिले के हल्द्वानी में दिखने लगा है। यहाँ की सूखी नदी ने भारी बारिश के बाद रौद्र रूप अख्तियार कर लिया है। नतीजा ये हुआ है कि विजयपुर गांव के कई लोग नदी किनारे फंस गए। 3 घंटे तक इंतजार करने के बाद भी नदी का बहाव कम नहीं हुआ। काफी देर इंतजार करने के बाद उत्तराखंड जल पुलिस के जवान उनकी मदद करने के लिए पहुंचे। इन जवानों ने महिलाओं को अपने कंधे पर उठाकर नदी पार करवाई। अपनी जान पर खेलकर इन जवानों ने गांव के लोगों को उनके घर तक पहुंचाया। वहीं गांव वालों के मुताबिक इस बार बरसात में सूखी नदी ने पहली बार इस तरह का रौद्र रूप दिखाया है। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर की ऊंची पहाड़ियों पर तेज बरसात के बाद गहरी धुंध छा गई और इस धुंध की वजह से पर्यटकों को गाड़ी चलाने में काफी परेशानी हुई। बिलासपुर के विश्वख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी स्वर्घाट और जामली में तेज बरसात हुई है। बरसात और धुंध की वजह से काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने मां श्री नैना देवी के दरबार में दर्शन किया। आसमान पर बादल छाए रहे, बरसात का दौर लगातार जारी रहा और इन वजहों से सड़क किनारे भूस्खलन का खतरा भी लगातार बढ़ गया है। असम के जोरहाट में 73 साल के एक डॉक्टर को मरीज के परिजनों ने पीट पीट कर मार डाला। ये डॉक्टर एक टी स्टेट के अस्पताल में तैनात था। घटना शनिवार शाम की है। चायबाहान में काम करने वाला 33 साल का एक मजदूर अस्पताल में भर्ती था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जिसके बाद चायबाहान के मजदूरों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की, डॉक्टर की पिटाई कर दी। लहूलुहान डॉक्टर देवेंद्र दत्ता को जोरहाट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उन्होंने दम तोड़ दिया। जमकर डॉक्टर की पिटाई की। हालांकि इसके बाद नाराजगी अस्पताल में कर्मचारियों में है इस बात को लेकर, लेकिन बुजुर्ग डॉक्टर की इतनी पिटाई की गई कि डॉक्टर ने दम तोड़ दिया। आपको बता दें, इलाज के दौरान एक मजदूर की मौत हो गई थी और इसी से नाराज लोगों ने डॉक्टर की जमकर धुनाई कर दी। असम के जोरहाट की ये तस्वीरें हैं, जहां पर टी स्टेट में तैनात एक मजदूर की इलाज के दौरान मौत हुई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में न सिर्फ तोड़फोड़ की बल्कि डॉक्टर की इतनी पिटाई की कि डॉक्टर ने दम तोड़ दिया। आप देख रहे हैं सुबह सुबह। गाजियाबाद के एलिवेटेड रोड पर जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट के बाद बाइक में अचानक आग लग गई। बाइक धू-धू कर जलने लगी। आग इतनी भयानक थी कि कुछ देर तक ट्रैफिक को भी रोका गया और इसी वजह से एलिवेटेड रोड पर जाम लग गया। बाइक पर एक महिला और एक पुरुष सवार थे, दोनों को घायल अवस्था में अस्पताल भर्ती करवाया गया है। एलिवेटेड रोड पर यह हादसा हुआ है, हालांकि वजह तेज रफ्तार ही मानी जा रही है। बाइक में जबरदस्त आग लग गई, कुछ देर के लिए ट्रैफिक को दोनों तरफ रोकना भी पड़ा, धू धू कर बाइक जलती रही।
बाइक पर एक महिला और एक पुरुष सवार थे, दोनों को घायल अवस्था में पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। प्रदेश में आज धूमधाम से गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है। मुंबई में जबरदस्त जोश देखने को मिल रहा है। मुंबई में भगवान गणेश के अद्भुत रूप लाल बाग के राजा के दर्शन के लिए लोगों की अच्छी खासी भीड़ जुट रही है। वहीं से देवनायक मंदिर में आज सुबह कांकड़ आरती हुई है। दो तस्वीरें लाल बाग के राजा के दर्शन और दूसरी तरफ सिद्धिविनायक में कांकड़ आरती की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस बार लाल बाग के राजा की महिमा विशेष है क्योंकि इस बार का थीम है चंद्रयान और बिल्कुल उसी तरीके से सजे धजे लाल बाग के राजा। हर तरफ गणपति बप्पा मोरया की गूंज सुनाई दे रही है। ये तस्वीरें देखिए लाल बाग के राजा की, किस तरीके से सुबह सुबह बप्पा के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्त पहुंच रहे हैं। इस बार लाल बाग के राजा का थीम चंद्रयान है और बिल्कुल उसी अंदाज में लाल बाग के राजा की शान भी दिख रही है। दस दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव की शुरुआत आज से हो चुकी है। गणेश चतुर्थी न सिर्फ पंडालों में पप्पा के दर्शन के लिए श्रद्धालु उमड़ रहे हैं बल्कि अपने अपने घरों पर भी लोगों ने बप्पा बिठाए हैं और बड़ी संख्या में गणपति बप्पा मोरया की जयकारों के साथ बप्पा के दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं। कुछ दिन पहले तक बिहार पुलिस के जवानों की 21 राइफलों से एक गोली तक फायर नहीं हो रही थी और अब बिहार के डीजीपी कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में उनकी पुलिस सबसे अच्छी है। उन्होंने पटना में 300 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को सम्मानित भी किया। देखिए डीजीपी साहब बिहार पुलिस की इतनी तारीफ आखिर क्यों कर रहे हैं। ज्यादा दिन नहीं हुए जब पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा की अंतिम विदाई में 21 तोपों की सलामी देते हुए बिहार पुलिस की एक भी बंदूक से गोली। अनोखा कीर्तिमान बनाने वाले बिहार पुलिस के 315 जवानों को डीजीपी साहब ने सम्मानित किया और सुनिए उनकी तारीफ में कैसे कैसे कशीदे पढ़े। पूरी दुनिया घुमा है, मैं सिविल एविएशन में था, दुनिया के बड़े बड़े और अच्छे अच्छे नामी नामी देशों में गया हूँ, सब जगह पुलिसिंग देखा। अमेरिका गया, कनाडा गया, इंग्लैंड गया, जापान गया। आप कनाडा की पुलिस का डंका बजाते हैं, अमेरिका की पुलिस का डंका बजाते हैं, यूके की पुलिस की तारीफ करते हैं, लेकिन जितेंद्र जी मैं कहता हूं कि पूरी दुनिया में और शायद भारत में भी केवल बिहार का जवान है और बिहार का सिपाही हवलदार है। इतना कहना था कि तालियां बज उठी लेकिन डीजीपी साहब की बात अभी अधूरी थी, इसे पूरा सुन लीजिए। सत्तू फांक करके और चूड़ा गुड़ फांक करके और चना फांक करके और बिना नहाए हुए साफ पानी की व्यवस्था की, स्नान की व्यवस्था की, बिना बाथरूम की व्यवस्था के, किसी भी कठिन परिस्थिति में अगर चूड़ा फांक करके, भूखे रह करके और सूखी हुई पूड़ी और अचार खा के अगर एक एक सप्ताह तक रात दिन मुस्तैदी के साथ काम कर सकता है तो बिहार का हवलदार और बिहार का सिपाही हो गया। जवानों के सामने भले ही चूड़ा सत्तू फांकने की नौबत हो लेकिन कुछ अधिकारियों की सेहत दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की पर है। ऐसे अफसरों का सम्मान डीजीपी साहब ने पीठ ठोकने की बजाय पेट ठोक कर किया। फिर भी वो बिहार पुलिस का हौसला बुलंद करने में पीछे नहीं रहे, बस थोड़ा ज्यादा बोल गए। जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ महीने पहले ही सबके सामने उन्हें बड़बोलेपन से बचने की नसीहत दे चुके हैं। जो पुलिस बल के यहाँ पर वरीय पदाधिकारी सब लोग बैठे हुए हैं, डीजीपी साहब का भाषण हो ही गया, उनकी ज्यादा कुछ नहीं कर रहा, लेकिन जो भाषण दे रहे मीडिया वाला आदमी बड़ा बढ़िया से पब्लिसिटी दे रहा है, काम में कमी आएगी कुछ 8-5 महीना के बाद आपको ध्वस्त कर देगा। मीडिया का नहीं जाना चाहिए, अगर मीडिया फ्रंट पेज पर आपको लाया तो पक्का जानिए कि आप अंदर जाने वाले। काश की डीजीपी साहब मुख्यमंत्री जी की सुन लेते तो बिहार पुलिस की बदहाली को उसकी ताकत नहीं बताते और जवानों को बेहतर कारतूस दिलाने के साथ ही
बेहतर सुविधाएं दिलाने की कोशिश करते। सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। और अब बात करते हैं गिरिराज सिंह की, जो गाय की फैक्ट्री लगाने वाले हैं। खुद गिरिराज भी मानते हैं कि उनके इस बयान से कोई भी हैरान रह जाएगा, लेकिन वो गाय की फैक्ट्री का फॉर्मूला भी बता रहे हैं। लेकिन विपक्ष पूछ रहा है कि जिस गाय को बीजेपी माता कहती है, उसकी फैक्ट्री लगाने की बात कैसे कर सकते हैं। राहुल गांधी के आलू से सोना बनाने वाली फैक्ट्री के कथित बयान के बाद बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ऐसी फैक्ट्री लगाने का प्लान बनाया है, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। हम गाय की फैक्ट्री लगा देंगे, गाय पैदा करने की फैक्ट्री। ये फैक्ट्री सब जब बोल रहे हैं तो बहुत लोगों को आश्चर्य होगा, भाई आइसक्रीम तो फैक्ट्री में बनेगा संतरे का, ये गाय की फैक्ट्री कैसे होगी। गिरिराज से ऐसे बयान की उम्मीद नहीं की जाती, क्योंकि अक्सर वो दूसरों की खिंचाई करते रहते हैं। ऐसे में गाय की फैक्ट्री के अपने प्लान को उन्होंने डिटेल में समझाया। आप आदमी में जानते हैं कि सरोगेट मदर की एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट, हम उसमें और टेक्नोलॉजी में ऊपर जा रहे हैं। जो गाय हमारी दूध देने लायक नहीं रहेगी, छोटी बछिया हो या बड़ी हो, उसके अंदर हम 20 लीटर दूध देने वाली गाय का IVF एम्ब्रियो और भी उससे एडवांस टेक्नोलॉजी को हम उपयोग करेंगे। ऐसा क्रांति लाएंगे कि हमारे दूध के कीमत के बराबर दुनिया के दूध का कीमत नहीं होगा, हमारा कम होगा, दुनिया का अधिक होगा। इस सफाई के बावजूद गिरिराज के मुंह से गाय की फैक्ट्री के शब्द पर बवाल मच गया। बिहार में कांग्रेस के नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने ट्वीट किया और पूछा, एक तरफ भाजपाई गाय को माता कहती है, दूसरी तरफ गिरिराज सिंह उसी गाय माता की फैक्ट्री खोलने की बात कर रही हैं, माँ की फैक्ट्री। गिरिराज सिंह जी भांग भी खाने लगे। सोशल मीडिया पर गिरिराज के बयान की जमकर खिंचाई हो रही है। लोग कह रहे हैं कि देश को गाय की फैक्ट्री की नहीं, रोजगार की जरूरत है। इस बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने मंदी पर अजीबोगरीब सफाई दी है। ट्वीट कर सुशील मोदी ने कहा कि हर साल सावन भादों में मंदी रहती है, इस बार मंदी का ज्यादा शोर मचाकर कुछ लोग चुनावी हार की खीज उतार रहे हैं। कुछ दिन पहले साध्वी प्रज्ञा ने विपक्ष के मारक मंत्र को बीजेपी के नेताओं की मौत का जिम्मेदार ठहराया था। आज तक ब्यूरो। और अब बात पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय धुलाई की। हर मंच से कश्मीर का राग अलापने वाला पाकिस्तान इस बार मालदीव की संसद में पिट गया। स्पीकरों की बैठक में जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर झूठ फरे परोसने की कोशिश की, तो राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने उनकी बोलती बंद कर दी। जुल्म और सितम का शिकार कश्मीरियों की हालत इज़ार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बैन अल-अक़वामी बरादरी को जारियत और तशद्दुद का निशाना बनाने वाले एक्सेलेंसी, वी स्ट्रॉन्गली ऑब्जेक्ट टू द रेजिंग ऑफ इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया इन दिस फोरम। वी ऑल्सो रिजेक्ट द पोलिटिकलाइजेशन ऑफ दिस फोरम बाई रेजिंग इश्यूज व्हिच आर एक्सट्रेनियस टू द थीम ऑफ दिस समिट। मालदीव में कश्मीर का मुद्दा उठाने वाले पाकिस्तान की राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने भरी दुनिया के सामने बेइज्जती करा दी। हरिवंश ने पाकिस्तान को आतंकवाद का पोषक और समर्थक बताया तो पाकिस्तान की सीनेटर कुर्तलेन मर्री तिलमिला उठी। लेकिन हरिवंश चुप नहीं रहे। उन्होंने ये तक कह दिया कि जो पाकिस्तान अपने ही लोगों का नरसंहार करता है, उसे मानवाधिकार की बात करने का नैतिक अधिकार नहीं है। The country which indulges itself in a genocide of its own country, which became a separate country, has moral right to raise this issue here. पाकिस्तान पक्ष चीखता चिल्लाता रह गया, लेकिन मालदीव ने भारत का साथ दिया। कार्यवाही से कश्मीर से जुड़ी बातों को निकाल दिया गया। इस तरह दुनिया के एक और मंच पर कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश कर रहे पाकिस्तान को करारा झटका लगा। थैंक यू पाकिस्तान डेलीगेशन। मालदीव में सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति यानी SDG को लेकर दक्षिण एशियाई देशों की संसदों के अध्यक्षों का चौथा शिखर सम्मेलन चल रहा है। भारत की तरफ से राज्यसभा के उपसभापति और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला इस सम्मेलन में शामिल हुए। आज तक ब्यूरो।
और अब रुख करते हैं पटना के गर्ल्स हॉस्टल का, जहां पर गर्ल्स हॉस्टल में एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर गुंडागर्दी की। कार्यकर्ताओं ने हॉस्टल के रिसेप्शन में तोड़फोड़ की, जबकि पुलिस सब कुछ जानने के बाद पहुंची और उसके बाद भी तमाशा ही देखती रही। टेबल पर कुर्सियां पटक पटक कर तोड़ डाली गई। टीवी को डंडों और कुर्सियों से मार मार कर चकनाचूर कर दिया गया। पर्दे नोच डाले गए। ये भयंकर उत्पात पटना के गर्ल्स हॉस्टल में मचा है। तोड़फोड़ मचाने वाले ये लोग एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं। दर्जन भर से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने हॉस्टल के गार्ड रूम और रिसेप्शन को तहस नहस कर दिया। हैरानी इस बात की है कि जब ऐसी गुंडागर्दी चल रही थी, तब ना पुलिस थी न प्रशासन। पटना में ये गुंडे दिन दहाड़े तांडव मचा रहे थे। इस हंगामे की वजह जानने से पहले बता दें कि हंगामा मचाने वाले पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कुछ दिनों पहले पटना के इस निजी गर्ल्स हॉस्टल का गार्ड अपने कुछ दोस्तों के साथ इसी रिसेप्शन पर शराब पीता दिखा था। हॉस्टल की लड़कियों ने उसका वीडियो बनाया और उसे वायरल कर दिया। बिहार में शराबबंदी होने और वीडियो सामने आने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पहले हॉस्टल के बाहर धरना प्रदर्शन किया और बाद में तोड़फोड़ पर उतर आए। जब सारा हंगामा हो चुका था, तब जाकर पुलिस आई। राजेश कुमार झा, पटना, आज तक। और अब आपको दिखाते हैं रेगिस्तान में आए सैलाब की तस्वीरें। रेगिस्तान में ऐसा सैलाब आया कि जिंदगी लहरों के बीच ही फंस गई। टोंक में नदी में ऐसा उफान आया कि एक ट्रक नदी के बीचों बीच फंस गया। ट्रक ड्राइवर की जान पर बनाई और वो मदद की गुहार लगाने लगा, लेकिन प्रशासन मदद करने की स्थिति में था ही नहीं। और ऐसे में किनारे मौजूद युवकों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। देखिए कैसे आगे बढ़ी जिंदगी की जंग। टोंक के बनास नदी पूरे उफान पर है। इसी उफान के बीच एक ट्रक फंसा है। ट्रक के ड्राइवर ने तेज बहाव के बावजूद ट्रक को आगे बढ़ा दिया। नतीजा ये कि कुछ दूर जाकर ट्रक फंस गया और उसके बहने तक की नौबत आ गई। ड्राइवर के हौसले पस्त होने लगे और उसने फोन कर प्रशासन से मदद की गुहार लगाई, लेकिन प्रशासन के पास तत्काल मदद करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। आखिरकार आसपास के करीब 30 युवाओं ने ट्रक ड्राइवर को मझधार से बाहर निकालने का बीड़ा उठाया। मानव श्रृंखला बनाकर ये युवक ट्रक के करीब पहुंचे, फिर पुल पर बंधी जंजीर और रस्सियों की मदद से ट्रक ड्राइवर को बाहर निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। बीच में अचानक बहाव तेज होने से बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। एक युवक तेज बहाव में बहता भी नजर आया, लेकिन बाकी के युवकों ने हौसला बनाए रखा। आखिरकार ट्रक का ड्राइवर रस्सियों के सहारे किनारे की तरफ बढ़ा। देखते ही देखते वो सुरक्षित किनारे तक पहुंच गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पास खड़े लोगों ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। तेज बहाव में बहने वाला युवक भी किनारे तक आने में कामयाब रहा। बताया जा रहा है कि बीसलपुर बांध से छोड़े गए पानी के चलते बनास नदी उफान पर आ गई। वहीं गिट्टी लाने जा रहा ट्रक इसकी चपेट में आ गया, लेकिन युवकों के साहस ने 60 साल के ट्रक ड्राइवर की जान बचा ली। शशांक तिवारी, टोंक, आज तक। अमेरिका की ओर बढ़ रहा चक्रवाती तूफान डोरियन पांचवी श्रेणी का हो गया है। रविवार रात तक इसकी रफ्तार 295 किलोमीटर प्रति घंटा थी। हरिकेन डोरियन की सैटेलाइट से ली गई हैरतअंगेज तस्वीरें सामने आई हैं। एनओए की ओर से जारी वीडियो में हरिकेन डोरियन अमेरिका के तट की ओर बढ़ता जा रहा है। यह अमेरिका के अबैको द्वीप के एल्बुकर्क से टकरा चुका है।
ये अटलांटिक का अब तक का दूसरा सबसे ताकतवर तूफान है। अंतरिक्ष से ली गई इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से अमेरिका के तट से टकराता हुआ नजर आ रहा है ये तूफान। मिशन चंद्रयान आज एक और मुकाम हासिल करने जा रहा है। कल ही चांद के पांचवी कक्षा में पहुंचा है चंद्रयान और आज दोपहर ऑर्बिटर से लैंडर विक्रम अलग हो जाएगा और फिर पांच दिन बाद वो खास पल आएगा जब चांद की सतह पर चंद्रयान उतरेगा। चंद्रयान अब और पास से चांद का दीदार करने लगा। कल शाम 6:21 पर चंद्रयान 2 चांद की पांचवी कक्षा में दाखिल हो गया। चंद्रयान को कक्षा बदलने में सिर्फ 52 सेकंड लगे। अब चांद से दूरी सिर्फ 109 किलोमीटर रह गई है। आज ऑर्बिटर से लैंडर विक्रम को अलग किया जाएगा। दोपहर 1:15 से 2:15 के बीच लैंडर विक्रम अलग हो जाएगा। इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक ऑर्बिटर के ऊपर लगे लैंडर और रोवर क्लैंप और बोल्ट से अटैच हैं। एक स्प्रिंग के दो तरफ लैंडर और रोवर जुड़े हुए हैं। कमांड के जरिए स्प्रिंग में लगे बोल्ट को काट दिया जाएगा, इससे लैंडर अलग हो जाएगा। 7 सितंबर वो तारीख है जब चंद्रयान चांद को चूमेगा। लैंडर विक्रम की चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी, लेकिन इससे पहले चंद्रयान चंद्रमा की दो और कक्षाओं में प्रवेश करेगा। 7 सितंबर को लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के 4 घंटे बाद रोवर प्रज्ञान बाहर आएगा, जो कि चंद्रमा की सतह पर 14 दिनों में 500 मीटर की दूरी तय करेगा। चंद्रमा के हिसाब से ये एक दिन होगा, क्योंकि एक लूनर डे पृथ्वी पर 14 दिनों के बराबर होता है। अब इंतजार है उस खास पल का। 7 सितंबर को दोपहर 1:55 पर ये अद्भुत नजारा दिखेगा। प्रधानमंत्री मोदी खुद इसरो के कंट्रोल रूम से इस क्षण के गवाह होंगे। हरिद्वार के गर्व सक्सेना को भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ चंद्रयान की लैंडिंग देखने का मौका मिलेगा। इसके लिए गर्व को इसरो की चिट्ठी मिली है। गर्व उत्तराखंड से चुने गए 2 बच्चों में से एक है जिसने क्विज प्रतियोगिता में भाग लेकर ये उपलब्धि हासिल की। गर्व हरिद्वार की DPS का 8वीं कक्षा का छात्र है और बड़ा होकर साइंटिस्ट बनना चाहता है। मुझे स्कूल से एक मैसेज आया था कि इसरो एक क्विज ऑर्गेनाइज कर रहा है जिसकी वजह से उसको चंद्रयान 2 की लैंडिंग देखने का मौका मिलेगा। तो जो उन्होंने वेबसाइट दी थी उसको उस पर मैंने वो क्विज दिया और 28 अगस्त को उनका फ़ोन आया था कि मैं उसमें सिलेक्ट हो गया हूँ। मेरा एम यही है कि मैं अपने सारे सपने पूरे कर लूँ, मैं साइंटिस्ट बन जाऊँ और नई नई रिसर्च करूँ। चंद्रयान 2 ने 22 जुलाई को उड़ान भरी और अब वो मिशन के करीब पहुंच चुका है। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ आज तक ब्यूरो। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।